संसद ने बुधवार को यूक्रेन युद्ध के बीच पैसे जुटाने के इरादे से अमीरों पर अधिक आयकर लगाने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में 24 लाख रूबल तक की आय पर 13% कर लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उससे अधिक आय पर कर की बढ़ोतरी की जाएगी। 5 करोड़ रूबल से अधिक आय के लिए अधिकतम दर 22% है। इस विधेयक को रूसी संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने मंजूरी दे दी है। उसके कुछ घंटे बाद अपरी सदन यानी फाउंडेशन काउंसिल ने भी इसे अनुमोदित कर दिया। हालांकि विधेयक को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सहमति की जरूरत पड़ेगी। इस विधेयक में व्यक्तिगत आय पर बढ़ते हुए कर की परिकल्पना की गई है। एक समान दर वाले आयकर की मौजूदा व्यवस्था से एक बड़ा बदलाव है। साल 2001 में लागू की गई एक समान दर में राजस्व संग्रह बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। विधेयक में कंपनियों के लिए भी आय दर को बढ़ाकर 20% से 25% करने का प्रावधान किया गया है। कर सुधार से साल 2025 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रूबल का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि आयकर दर में बढ़ोतरी का रूस के केवल लगभग 3.5% करदाताओं पर असर पड़ेगा। सलाहकार फर्म माइक्रो एडवाइजरी के मुख्य कार्यपालक ने करों में वृद्धि को तेल राजस्व पर रूस की निर्भरता को कम करने की कोशिश का एक हिस्सा बताया है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद ही रूसी तेल निर्यात के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा किया है। बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और मॉस्को की यात्रा की। पीएम मोदी ऐसे समय पर मॉस्को पहुंचे जब पुतिन पिछले 2 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन की जंग में उलझे हुए हैं। इसके बावजूद परिणाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं मिल रहा है। अमेरिका से मिले अत्याधुनिक हथियारों के चलते यूक्रेन ने रूस से कड़ा मुकाबला किया। हाल के दिनों में यूक्रेन ने अमेरिकी निर्मित ड्रोन से रूस के भीतरी इलाकों में हमले किए हैं। यहां तक कि उसने मॉस्को के बाहरी इलाकों तक भी अपनी पहुंच बनाई है। दूसरी तरफ पश्चिमी देश पुतिन को अलग थलग करने के कूटनीतिक प्रयास भी जारी किए हैं। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी के दौरे ने पश्चिमिक राजनयिक को काफी हैरान कर दिया है, क्योंकि अपनी तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद वो 5 साल बाद रूस की यात्रा पर थे। NBT ऑनलाइन रिपोर्ट। और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पर बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।